हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है, हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। वीडियो देखकर आपको बच्चों के चीखने की आवाज तो आ ही रही होगी, एक तरफ कुछ बच्चे बैठे हुए नजर भी आ रहे होंगे। और जब वीडियो आगे बढ़ता है तो दिखाई देता है कि एक टेबल के ऊपर एक बच्चे को लिटाकर पीटा जा रहा है। इस मासूम का कसूर सिर्फ इतना था कि इसकी फीस सही समय पर जमा नहीं हुई थी और उसका होमवर्क पूरा नहीं था, जिसकी वजह से उसको ये सजा मिली। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल प्रयागराज के संगम नगरी माँ गंगा पब्लिक स्कूल में स्कूल की फीस ना जमा करने और होमवर्क पूरा ना करने वाले मासूम छात्र की बेरहमी से पिटाई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पिट रहा 8 साल का कार्तिकेय कक्षा 1 का छात्र है। वायरल हुए वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे कार्तिकेय तड़प रहा है और चीख रहा है। बगल में खड़ी महिला टीचर ये सब देखकर मुस्कुरा रही है और बच्चा दर्द से कराह रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मासूम कार्तिकेय को प्रबंधक बेंच पर उल्टा लिटाकर 5 बेंत मारता है। सामने वाले क्लास से किसी मासूम ने पिटाई का वीडियो बना लिया। फिलहाल वीडियो वायरल होने पर मेजा पुलिस ने पिता की तहरीर पर माँ गंगा पब्लिक स्कूल के प्रबंधक योगेश गुप्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक विद्यालय में छात्र की पिटाई का वीडियो प्रकाश में आया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए छात्र के पिता से तहरीर प्राप्त की गई तथा थाना मेजा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस वीडियो पर मेजा इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर मिश्रा ने कहा कि वायरल वीडियो के बारे में जानकारी मिली थी। इस मामले में छात्र के परिजनों की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है। छात्र के पिता से मामले की जानकारी ली है, उन्होंने कार्रवाई करने से मना कर दिया है, फिर भी वीडियो के आधार पर जाँच की जा रही है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है।